छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अडानी विद्या मंदिर ने बच्चों के बेहतर पोषण के लिए मिसाल पेश की है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही बल्कि बच्चों को अच्छा मिड डे मील परोसा जा रहा है। खाना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की माँ का एक समूह बनाता है। देखिए रिपोर्ट। मिड डे मील ऐसा भी, बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल। नाश्ता खाना बनाती है बच्चों की माँ। गाँव के खेत से लाई जाती है सब्जियाँ। मिड डे मील के खाने को लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं। वहीं एक स्कूल ऐसा भी है जहां पर बच्चों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है। खाना बच्चों की मां के हाथ का मिलता है और खाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। खाना बनाने के लिए सब्जियां भी गांव के खेत से ही आती है। ये स्कूल है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, जो अडानी फाउंडेशन की ओर से खोला गया है। अडानी विद्या मंदिर इसका नाम है। यहाँ पर बच्चों का ब्रेकफास्ट और मिड डे मील उसी गांव की महिलाएं बनाती हैं, जहाँ उनके बच्चे पढ़ते भी हैं। स्वाभाविक है, कोई भी माँ अपने बच्चे को खराब भोजन नहीं खिलाएगी। दिलचस्प बात तो ये है कि नाश्ता और खाने के लिए बच्चों से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है। आसपास के लगे गांव में माताओं का महिला समूह बनाया गया है। यही माताएं बच्चों के लिए भोजन भी बनाती हैं। जहां महिलाओं का समूह खाना बनाता है, वहीं उनकी कमाई भी हो जाती है। अडानी फाउंडेशन की ओर से बनाई गई कोऑपरेटिव संस्था से खाना बनाने वाली महिलाओं को 5 से 10 हजार रुपए महीने का वेतन भी दिया जाता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ काम करते हैं, खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं? हाँ। तो खाना क्या इनके वो ब्रेकफास्ट ही बनाते हैं? हाँ। तो बेटा 7 बजे आते हैं। तो हाँ, तो का खाना सब्जी काटते हैं, नाश्ता बांटते हैं। अच्छा। प्लेट धोते हैं, गिलास धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, फिर प्लेट धोते हैं, गंज भाड़ा मांगते हैं। बच्चों को भी खाना दोपहर में बांटते? अच्छा, तो आपके बच्चे को आप ही खाना खिलाते हो, मतलब इस तरीके से देखा जाए? हमन खवाते हैं। आप ही खवाते हैं बनाए के? बच्चों के भोजन के लिए आटा, दाल और चावल बाहर से नहीं बल्कि गांव के लोगों से ही खरीदा जाता है। मिड डे मील में बनने वाली सब्जियां और खाने के लिए मसाले भी गांव के किसानों से ही लिए जाते हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यहां तो सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है क्या खाने में? यस। क्या मिलता है सुबह? पोहा, हलवा, फुमका। मूंग का हलवा मिलता है और चना मुर्रा और दूध। ये दूध भी मिलता है? यस। और दिन में क्या मिलता है खाने में? राइस, सब्जी, दाल। कौन बनाता है? मम्मी। मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एक बहुत ही एक कंप्लीट एक सिस्टम है यहाँ पर, जिसे हम बोल सकते हैं ये कंप्लीट मॉडल आपको दिखेगा मिड डे मील। तो कंप्लीट मॉडल का मतलब ये है कि जो मिड डे मील का जो मैनेजमेंट है वो हमने यहाँ पर दिया है। एक वुमेन्स ग्रुप है जिसे महिला बहुदेशी समूह स्व सहायता समूह है, वह समूह जो है इस मिड डे मील का संचालन करती है। और यह ग्रुप जो है जो बच्चों के लिए जो उपयोग होता है, जो यहाँ पर रोटी के लिए जो आटा यूज़ होता है या चावल यूज़ होता है या वेजिटेबल यूज़ होता है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर वो वुमेन्स कमेटी यहाँ पर लोकल लेवल में उसे परचेस करती है। खाने में वैरायटी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट में दूध, हलवा, उपमा और स्प्राउट्स दिया जाता है और दोपहर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी दी जाती है, जिससे बच्चे भी बेहद चाव से खाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बच्चों को स्कूल में भी माँ के हाथों का खाना और नाश्ता मिल जाए तो क्या बात है, उनका शरीर हमेशा ही दुरुस्त रहेगा। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ कुपोषण दर भी ज्यादा है और इस पहल से कुपोषण भी दूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।